इटालियन फूड बहुत पॉपुलर है और आपने पिज्जाज और पास्ता तो डेफिनेटली खाए होंगे, लेकिन एक डिश है जो आपने शायद कभी नहीं खाई। उस डिश का नाम न्योकी है। मेरा नाम इतजाज है, ये मेरा किचन है और यहाँ काफी गंद मचने वाला है। एनीवन रिमेम्बर दैट मीम, वो पौड़ी वाली मीम? नो, ओके। ये इतना गंदा जोक था कि आई फॉरगॉट टू पुट माय एप्रन ऑन, बट लेट्स स्टार्ट एनीवेज। अब कुछ चीजें हैं जो मुझे क्लेरिफाई करनी है बिफोर वी बिगिन। अब न्योकी बेसिकली एक पास्ता है जो आप आलू के साथ बनाते हैं। आलू या फिर मेरी जाती बर्गर लैंग्वेज में पोटेटोज में बहुत ज्यादा स्टार्च और पानी होता है। बाहर की न्योकी रेसिपीज आर इजियर क्योंकि उनके पास कोई 50 डिफरेंट किस्म के आलू होते हैं, वेयर यहाँ पे यू जस्ट हैव मी एंड दीज गाइस। तो थोड़ी सी टेक्सचरल वेरिएंस आएगी हमारे देसी वर्जन में। अब एक और मसला ये है कि न्योकी की रेसिपी लिखना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर केस में डिफरेंट फ्लावर रेशियोज यूज होंगे डिपेंडिंग ऑन आपके आलू की शेप और स्टार्च कॉन्टेंट। इसलिए फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपको इस डिश की रेसिपी नहीं दूंगा। एक सेकेंड यार, मेरी बात तो सुन लें, हौसला रखें यार, क्या हो गया? मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी। ओके, बहुत बातचीत हो गई, लेट्स बिगिन। कैमरा एंगल 2 को फिस्ट पंप करें और अपना ओवन फुल पे प्रीहीट करें। अपने आलूओं को अच्छी तरह वॉश करके एक टॉवल या टिश्यू से ड्राई करें। ट्रेडिशनल रेसिपीज में हम इनको बॉयल करते हैं लेकिन वी वॉन्ट टू ड्रॉ आउट द मॉइस्चर फ्रॉम द पोटेटोज, नॉट एड मोर इन। इसलिए पाकिस्तान के करप्ट आलूओं के लिए इट्स बेस्ट इफ़ यू रोस्ट देम। जब आपके पोटेटो साफ हो गए हैं तो एक नाइफ से हर आलू को जेंटली मर्डर करें 4-5 दफ़ा, फिर जस्ट पुट देम इन योर ओवन फॉर 40 मिनट्स। प्लीज़ इनको ग्रिल पे रखना है आपने, पैन में नहीं। ग्रिल से हीट सर्कुलेशन बहुत बेहतर होगी। मैं एक बल्ब गार्लिक का भी थ्रो इन कर रहा हूँ टू मेक रोस्टेड गार्लिक दैट आई टेक आउट आफ्टर 30 मिनट्स। आई लव दिस थिंग, और अगर मेरे बच्चे होते तो शायद मैं उन पर भी रोस्टेड गार्लिक रोज मलता। वाइल दीज गाइज आर बेकिंग, आप अपने साथ रॉक पेपर सीजर्स खेल सकते हैं बिकॉज यू स्पेंड ऑल डे इन द किचन एंड हैव नो सोशल लाइफ। जब वक्त हो जाए तो अपने आलूओं को केयरफुली निकालें एंड गिव योरसेल्फ अ सेकंड डिग्री बर्न बाय टचिंग देम टू क्विकली। मजाक कर रहा हूँ यार, इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। इस पॉइंट पर एक पॉट में पानी डालकर हीट करना शुरू कर दें बिकॉज इट्स गोना टेक सम टाइम। एक हाथ में ग्लव पहने और दूसरे हाथ से कट योर पोटेटोज इन हाफ, फिर एक स्पून लेकर इनका गोश्त सारा स्कूप आउट करें। यू हैव टू डू दिस व्हाइल देयर स्टिल हॉट क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी स्टीम निकल जाए इसके अंदर से। इसकी स्किन्स को ज़ाया ना करें बाय द वे, थोड़ी सी केचप और सॉल्ट के साथ दे एक्चुअली टेस्ट रियली गुड। मेक श्योर कि स्किन का कोई पीस आपकी फ्लैश में ना आए। जब आलूओं की लाशें ठीक से साफ हो जाएं तो इनको अपने बोर्ड या काउंटर पर स्प्रेड आउट करें ताकि दे कूल डाउन क्विकर। फिर एक कांटा लें और इनको मैश करना शुरू करें। टू मेक श्योर कि आपके आलू सही तरह मैश हों, बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक्स। आपने मेक श्योर करना है कि देर आर नो लम्स हेयर, बी वेरी थरो। ट्रेडिशनली इसको एक राइसर के थ्रू गुजारते हैं बट यू प्रॉब्ली डोंट हैव इट एट योर होम सो आई एम यूजिंग अ फोर्क। फोर्क के अलावा कुछ भी यूज करना इज पॉइंटलेस, गेट इट, क्योंकि फोर्क्स पॉइंटी होते हैं। आपने आलूओं पे नमक सॉल्ट भाई की तरह डालनी है, यस दिस इज रिक्वायरमेंट। फिर बीच में एक छोटी सी वेल बनाएं एंड थ्रो इन एन एग योक। बहुत सी रेसिपीज यूज अ होल एग लेकिन आई फाइंड द एग योक वर्क्स बेटर। आई वुड से कि 3 से 4 मीडियम साइज आलूओं के लिए यूज 1 egg yolk एंड स्केल एज रिक्वायर्ड। फिर कम्स अ ट्रिकी पार्ट, अपने फ्लावर को लें और थोड़ा थोड़ा करके एड इट इनटू योर पोटैटोज और अपने हाथ से जेंटली मिक्स करना शुरू करें। शुरू में बहुत स्टिकी होगी बट कीप एडिंग फ्लावर एंड जेंटली फोल्डिंग टुगेदर जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इवेंचुअली डो की स्टिकीनेस कम होगी और जैसे ही ये स्टेज आए तो स्टॉप एडिंग योर फ्लावर। अपने काउंटर को स्क्रेप करके क्लीन करें और फ्लावर हाथों पर लगाकर स्क्रब करें टू क्लीन देम टू। डो के 3-4 हिस्से कर लें और हर पीस को रोल आउट करें लाइक यू यूज्ड टू डू विद प्ले डो एज अ किड। इस स्टेप में आपने अपने पाम यूज करने हैं, फिंगर्स नहीं, एंड बी जेंटल। जब इसकी थिकनेस तकरीबन 1 इंच हो जाए तो एक बेंच स्क्रेपर या नाइफ लेकर छोटे पिलोज में काटें एज यू कैन सी मी डूइंग हियर। रिपीट फॉर योर होल डो। जब आपके छोटे पिलोज बन गए हैं इट्स नाउ टाइम टू डिसाइड देयर शेप। मेरी फेवरेट न्योकी शेप और टेक्निक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट पे अटेंशन टू द स्टेप्स एंड यू विल बी फाइन। अपना छोटा पिल्लो लें और अपने राइट हैंड की एक उंगली को फ्लावर में डिप करें और केयरफुली पोजीशन करें पिल्लो के ऊपर एट अ 90-degree एंगल। फिर आहिस्ता से डिसेंड करें कीपिंग द एंगल कॉन्स्टेंट और जेंटली पुशिंग करें। स्टार्ट असेंडिंग अगेन एट द सेम एंगल टू कम्प्लीट द प्रोसेस, इन अदर वर्ड्स जस्ट पोक इट इन द मिडल। आई लव दिस शेप क्योंकि इट लुक्स रियली क्यूट और जो भी हम सॉस बनाएंगे इसके छोटे से पेट में पूल हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो लीव द न्योकी इन देयर पिल्लो शेप टू इफ यू वॉन्ट। बिफोर वी बॉयल देम साथ साथ सॉस पर भी काम करना शुरू करते हैं। एक दूसरे बर्नर पे एक नॉनस्टिक फ्राइंग पैन लें और उसमें एक हार्ड स्टॉपिंग अमाउंट ऑफ बटर डालें। हम एक रोस्टेड गार्लिक ब्राउन बटर सॉस बनाएंगे इसके साथ, सो वी नीड अ लॉट ऑफ मक्खन। बटर को थोड़ी देर हीट पे रखें अंटिल इट चेंजेस टू अ डीप ब्राउन कलर। आपका पानी अग्रेसिवली बॉयल हो रहा होगा दिस पॉइंट, तो अपने न्योकियों
पर थोड़ा सा फ्लावर छिड़कें सो दे डोंट स्टिक और इनको एक स्ट्रेनर में डालकर जेंटली पानी के अंदर उतार दें। न्योकी आपने सिर्फ तब डालने हैं पानी में जब वो अग्रेसिवली बबल कर रहा हो। अब न्योकी को सिर्फ 2 मिनट लगेंगे कोकोने में। एज सून एज आपकी न्योकी सरफेस पे फ्लोट करके आएगी, टेक देम आउट एंड ट्रांसफर इट स्ट्रेट इनटू योर हॉट बटर। अब मैं इनको फ्राई कर रहा हूँ ताकि इनका आउटसाइड क्रिस्पी हो। अगर आप हेल्दी होकर ये स्टेप स्किप करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, बट जस्ट नो दैट वी कैंट बी फ्रेंड्स। लेट देम सिट देयर फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स विदाउट मूविंग ताकि एक डीप क्रस्ट फॉर्म हो जाए, एंड देन दूसरी साइड पर भी एक एक करके फ्लिप कर लें। जब दोनों साइड नाइसली ब्राउन हो जाएं तो रोस्टेड गार्लिक का एक स्पून ऐड करें और अच्छी तरह मिक्स करें। फिर किल द हीट और क्योंकि हमारा दिल अभी तक धड़क रहा है, बटर का एक और टेबलस्पून डालें अलॉन्ग विद 1 टेबलस्पून हमारे पॉट वाटर का। फिर अग्रेसिवली टॉस करें 5-6 दफ़ा ताकि हर पीस कोट हो जाए। आखिर में 1 पिंच सॉल्ट का डालकर फाइनल टॉस करें एंड ट्रांसफर टू अ प्लेट और बोल। मैं काफ़ी एक्साइटेड था इसको ट्राई करने के लिए, तो मैंने बहुत जल्दी बाइट ले लिया, मेरा मुंह जल गया। सो प्रॉब्ली वेट फॉर लाइक 3 मिनट्स और जब आप फाइनली बाइट लेंगे तो यू आर इन फॉर अ रियल ट्रीट गाइस। इसका टेक्सचर इतना यूनिक और मजे का है कि आई कैन इवन एक्सप्लेन इट। इतने लाइट और फ्लफी हैं बट बिकॉज ऑफ द पैन फ्राइंग इनका आउटसाइड इज नाइस एंड क्रिस्पी और बटर की वजह से दे टेस्ट प्रिटी इनसेन। इसकी माउथ फील इज टोटली यूनिक, मैंने कभी भी इस तरह की डिश नहीं खाई। आप इनको किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं एंड इफ इट गोज वेल विद पास्ता इट विल प्रॉब्ली गो वेल विद दिस। आई थिंक इनकी अच्छी डिस्क्रिप्शन वुड प्रॉबली बी क्रिस्पी मैश पोटेटोज। अगर ये सेंटेंस सुनकर आपको कुछ भी नहीं हुआ तो देन यू प्रॉब्ली डोंट हैव अ हार्ट। अगर आप इस तरह का खाना खाते रहे तो देन दैट माइट एक्चुअली बी ट्रू इन अ फ्यू ईयर्स। लेकिन यार अगर खाना इतना मजे का हो तो एक्स्ट्रा 5 साल जिंदा रह के क्या करना है आपने।